उदाहरण नंबर पांच आपके देर का है, पहले इनको सरल करना है, सरल करने के बाद इनका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान लगाना भाई। हमारे पास लिखा हुआ x, x माइनस तीन और प्लस का दो, पहले इसको सरल करेंगे जैसे हम पहले करते हैं, ऐसा सरल करना है आपको। तो यहां पर देखो x इंटू एक्स करेंगे तो होता है आपके एक्स स्क्वायर, और x इंटू तीन करेंगे तो आएगा आपके तीन एक्स, और प्लस कितना हो गया भाई आपके दो। पहला काम है सरल करना, सरल करने के बाद हमें यहां पर दिया हुआ है x का वैल्यू वन है, जहां x है ना वहां हमें क्या रखना है, एक रखना है, एक रखकर हमें क्या करना है, इसको हल करना है। जहां जहां x है वहां हमें एक लिखना है, जहां जहां x है हमें एक लिखना है। तो ये हो गया आपका एक का स्क्वायर एक होता है, तीन एकम तीन होता है, और प्लस का कितना होता है यहां पर दो होता है, ये और ये हो गया प्लस का तीन, और ये है आपका माइनस का तीन, घटाओ तो आता है आपके जीरो, तो इसका मान कितना आएगा भी आपके जीरो आ जाएगा। अब चलते हैं इधर की साइड, हमें क्या करना है, तीन वाई को गुणा करना है, इधर तीन वाई को हमें गुणा करना है दो वाई माइनस सात से, तीन को गुणा करना है वाई माइनस चार से, और माइनस का 63 दे रखा है। पहले इसको सरल करेंगे उसके बाद हमें मान रखकर हल करना है, तो गुणा करो तो कितना होता है, तीन दूनी छ वाई स्क्वायर, तीन सात इक्कीस वाई, अब यहां गुणा करो ये होता है तीन एकम तीन वाई, माइनस माइनस प्लस, और चार तिया बारह, और ये लिखा हुआ है माइनस का 63। अब ये बोला हुआ है कि हमें वाई का मान दो मानना है, हमें क्या करना है कि जहां वाई है ना वाई की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस का दो मानना है, जहां जहां वाई है हमें माइनस का दो लिखना है, और इसको हल करेंगे बताना है कि उत्तर क्या आएगा। छह का छ वाई का मान है माइनस का दो, फिर माइनस का माइनस, इक्कीस का इक्कीस, और यहां पर वाई है और वाई का मान होता है आपके माइनस का दो, ऐसे इसको हल कर सकते हैं, यहां पर एक बार और हल कर सकते हैं चाहो तो, देखो इसको हम आगे और हल कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये नंबर दे रखा है छ वाई स्क्वायर, और ये दोनों आपके वाई है, तो ये 21 है और ये 3 है, 21 और 3 हो गया भाई आपके 24 वाई, और ये दोनों नंबर है तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाते हैं, 63 में से 12 गए तो बच गए भी आपके 51। पहले जहां तक हल होता है वहां तक आपको हल करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, y का मान हमें क्या रखना है, माइनस का दो रखना है, जहां जहां वाई है हमें माइनस का दो रखना है, जहां जहां वाई है हमें माइनस का दो रखना है, जहां जहां वाई है हमें माइनस का दो रखना है, और माइनस का 51 हल करते हैं। देखो दो दूनी चार प्लस का हो जाएगा, चार इंटू छह होते हैं तो ये होता है 24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24 का डबल होता है 48, और ये है आपका माइनस में 51। देखो ये तो 24 है, अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो तीन ज्यादा है माइनस का, दोनों में तीन का अंतर है और ज्यादा कौन सा है, माइनस का है, घटाओ तो कितना आता है अभी आपके 21, ये आएगा इसका उत्तर। उदाहरण नंबर छह दे रखा है, हमें इनको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, पहले इनको हल करना पड़ेगा अभी। देखो इसको इससे गुणा करो तो होता है पांच तिया पंद्रह एम, इसको इससे गुणा करो तो होता है पांच एम स्क्वायर, इसको पहले इससे गुणा करना है, इसको इससे, और यहां पर एवं लिखा है मतलब जोड़ना है आपको, और यहां लिखा हुआ आपके छ एम स्क्वायर माइनस के 13 एम। अब ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ, ये है 15 एम, ये है माइनस का 5 एम स्क्वायर, और ये है आपका प्लस का 6 एम स्क्वायर, और ये देर का है माइनस का 13 एम। ब्रैकेट खोल दो,
अब देखो ये दोनों आपके एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, छह में से पांच गया तो बच गया है एक बार एम स्क्वायर, छह में से पांच गया तो एक एम स्क्वायर बच गया। ऐसे यहां पर इन दोनों को देखो, ये दोनों एम है आपके, 15 में से तीन, 15 में से 13 गए, कितने बच गए आपके, 2 m बच गए। इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक बार ज्यादा है और ये 2 बार है, इतना सा फर्क है आप। अब आते हैं यहां पर सॉल्व करने, देखो गुणा करना है आपको, पहले इसको इससे गुणा करो, ये होता है आपके 4 * 3 = 12, और y यहां पर 2 बार है, यहां पर 1 बार, तो ये आएगा y की घात 3, इसको इससे गुणा करो, 5 * 20 y इंटू वाई करेंगे होता है वाई स्क्वायर, और 4 * 7 होता है 28 y। आगे हल करते हैं, इसको इससे गुणा करो तो होता है प्लस का 2 y की घात 3, और यहां गुणा करेंगे होता है 8 y स्क्वायर, और यहां गुणा करेंगे होता है 5 × 10। ये भी हल करेंगे और ये भी हल करेंगे, बीच में आपको प्लस है, प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाया था, क्या फर्क पड़ा, जैसा है वैसे हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि प्लस है ना तो प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है, जैसा ऐसा लिख लो। अब देखो घात 3 यहां पर भी है और घात 3 यहां पर भी है, ये वाला और ये वाला, आप चाहो तो दोनों को पास पास लिख दो, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला प्लस 20 y स्क्वायर, फिर है आपका माइनस का 8 y स्क्वायर, फिर ये दो बचे हैं माइनस का 28 y और प्लस का 10। हल करते हैं देखो इनको, अगर मैं इनको हल करता हूं, ये भी y की घात 3 है, ये भी y की घात 3 है, ये 12 बार है और ये 2 बार है, जोड़ लेंगे तो होता है 14 y की घात 3। अब इनको लेते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 20 में से 8 गए, बच गए 12 y स्क्वायर, ये अलग है, ये अलग है, ये नंबर सबसे अलग है और ये नंबर भी सबसे अलग है, इसको ऐसे लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। उदाहरण नंबर 7 आपके देर का है, इसमें से ये घटाना है आपको, तो देखो ध्यान लगाना भाई, 2PQ और P+Q, इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3PQ और P-Q को हमें क्या करना है, माइनस करना, करो सॉल्व करो उसको, देखो ध्यान दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 का 2, पी इधर भी है, पी इधर भी है, होगा पी का स्क्वायर और क्यू का क्यू, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्यू बढ़ जाएगा, तो ये सेम आएगा, और यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, तो होगा क्यू स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 पी यहां भी है, पी यहां भी है, तो पी स्क्वायर क्यू, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस। अब यहां पर हल करेंगे देखो, इसको इससे गुणा करना है आपको, तो 3p का 3p, q यहां भी है, q यहां भी, हो गया q की घात 2। अब क्या करना है देखो, सिंपल सा ध्यान रखना है, चाहो तो पास पास लिख दो ऐसे, 2p² q के पास हमें लिखना है p² q को, और pq² को pq² पास लिखो, ये है आपका प्लस का 2pq² और ये है आपके प्लस का 3pq², जोड़ लेंगे, देखो 3 में से 2 गया, कितना आएगा ये आपके, 1 बार p² q, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और यहां पर देखो दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा 5pq², इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ये होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन 1 आपके देर का है, हमें इनको आपस में गुणा करना है, यहां पर देखो 4p को हमें गुणा करना है q + r से, करो गुणा,
इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होगा आपके 4PQ प्लस का प्लस। अब इसको गुणा करना है R से, 4P को गुणा करना है R से, तो ये आएगा 4PR। अब आते हैं यहां पर, हमें क्या करना है, AB को गुणा करना है A माइनस B से। पहले AB को गुणा करेंगे A से, तो इसमें क्या है कि A इन दोनों को लेंगे ना, A दो बार है और B एक बार है, A दो बार और B एक बार, फिर माइनस का माइनस। अब हम इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों में देखो A तो एक बार है और B दो बार है, A एक बार है और B आपके दो बार है, ऐसा हल करना। अब हमें इन दोनों गुणा करना है, A प्लस B को गुणा करना है 7A²B² से। पहले हमें लेना है इन दोनों को, मतलब जो बाहर है और पहला नंबर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में देखेंगे तो A तीन बार है, यहां लिखना है 7A तीन बार और B दो बार। अब हम लेते हैं इन दोनों में, इन दोनों देखो B आपके तीन बार हो गए, हमें लिखना है 7A आपके दो बार ही है और B आपके हो गया है तीन बार, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है। अब आते हैं यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 9 को हमें गुणा करना है 4A से। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसमें इसमें क्या फर्क है, ए एक बार है और यहां दो बार है, तो ए हो गया तीन बार, फिर माइनस का माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे, 9 इंटू 4 होता है 36A। अब आते हैं यहां पर, हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसको हमें गुणा करना है 0 से, 0 को किससे भी गुणा करो उत्तर क्या आएगा आपके, 0 ही आएगा, 0 को किससे गुणा करो 0 ही आएगा। सारणी को पूरा करो, यह है प्रथम व्यंजक और यह है द्वितीय व्यंजक, दोनों का गुणनफल हमें यहां पर लिखना है। देखो हमें क्या करना है, पहले इस A को गुणा करेंगे B से, तो ये आने वाला है आपके AB, फिर प्लस का प्लस, फिर हमें A को गुणा करना है C से, तो ये आने वाला है आपके AC, प्लस का प्लस, फिर A को गुणा करना है D से, तो क्या आएगा भाई आपके AD आएगा। अब आते हैं यहां पर, हमें इसको गुणा करना है पहले x से, तो इन दोनों में x बढ़ेगा, 5x²y आएगा, फिर है प्लस का प्लस, इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो y बढ़ेगा, क्योंकि y जुड़ने जा रहा है, तो ये आएगा 5xy², फिर है माइनस का माइनस, इसको गुणा करना है 5 से, तो 5 इंटू 5 होता है 25xy, तो हमें यहां लिखना है 25x भी आएगा और y भी आएगा। अब हमें इसको गुणा करना है तीनों से, p से गुणा करना है, मतलब सब में एक एक p बढ़ जाएगा, यहां पर एक p बढ़ेगा 6p³, माइनस का माइनस, यहां पर p बढ़ेगा 7p² प्लस का प्लस, फिर यहां पर भी आपके p बढ़ जाएगा, सब में एक एक p बढ़ जाएगा। अब हमें इसको इनसे गुणा करना है, देखो इसको पहले हम पी स्क्वायर गुणा करेंगे, देखो यहां पर आपका p बढ़ेगा और फिर आपका q बढ़ेगा, तो पहले आपका p बढ़ेगा, क्या लिखा हुआ इसके अंदर, 4p⁴ और q⁴, फिर 4p आपके 4 बार और q आपके ये 2 बार और ये 4 बार, एक बार इससे गुणा करेंगे तो p बढ़ेगा, इससे गुणा करेंगे तो q बढ़ेगा। अब ये और ये, एक बार a बढ़ाना है, एक बार b बढ़ाना है, एक बार c बढ़ाना है, इसको से मल्टीप्लाई करने पर, एक बार तो a बढ़ेगा, एक बार b बढ़ेगा और एक बार c बढ़ेगा, इसको इससे गुणा करेंगे, एक बार a बढ़ेगा, एक बार b और एक बार c, ऐसे गुणा करना है, हमें करना है गुणा करना है, गुणनफल करना है, बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान लगाना भाई, यहां लिखना इसका उत्तर, 4 × 8 और देखो कितनी घात होगी, 26 यहां पर है और 22 यहां पर है, 26 और 22 हो गई आपके 48,
और दो यहां पर है, तो हो गई आपके 50 घात हो गई। यस, 8 एक ही घात 50 ऐसे। अब यहां पर देखो नंबर जो कटता है उसको काटना है आप। देखो भाई, 3 का भाग यहां जाता है आपके 3 बार और 2 का भाग यहां जाता है आपके 5 बार। जो कटता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। अब यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां पर 3 और 5 बच गया और माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का 3/5। एक्स एक बार यहां पर है, 2 बार यहां पर है, तो ये हो गया आपके 3 बार हो गया। वाई यहां पर एक बार है, यहां पर 2 बार है, तो वाई भी आपके हो गया है 3 बार, और ये आ जाएगा इसका उत्तर। अब आते हैं अगले वाले में। 3 का भाग 6 में जाता है आपके 2 बार में और 5 का भाग 10 में जाता है आपके 2 बार में। जो बच गया वो लिखो। 2 इधर भी ऊपर बचा हुआ है, 2 इधर बचा हुआ है, 2 दिन कितने हो गए भी आपके 4 हो गए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस भी आएगा। पी इधर एक बार है, इधर 3 बार है, तो हो गया पी आपके 4 बार। क्यू इधर 3 बार है, इधर एक बार है, तो क्यू भी हो गया आपके 4 बार। अब आते हैं यहां पर एक्स का। एक्स एक्स यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां हमें एक बार मानना है। एक बार और 2 बार, 3 बार, 3 बार और 3 बार, 6 बार, 6 बार और 4 बार, 10 बार। ये हो गया एक्स की घात 10। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, 4 का ए। हमें पहले इसको सरल करना है, सरल करने के बाद एक्स का मान ये भी रखना है और ये रखकर उसको हल भी करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखो हमारे पास लिखा हुआ है 3x और 4x माइनस 5 और प्लस का होता है आपके 3। पहले इसको हम हल करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो होता है 4 × 12 x इंटू एक्स होता है आपके एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे होता है 15 x का x और प्लस का 3। अब ये हमारे पास, इसको हमने सरल कर दिया है। अब सरल करने के बाद हमें क्या करना है, इसको यहां रखना है 12x स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस का 3। ऐसे हम यहां पर करने वाले हैं 12x स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस का 3। एक बार हमें x का मान ये रखना है और एक बार हमें वो रखना है, हमें दो हल करना है। एक बार तो आपको x का मान रखना है 3 और एक बार आपको x का मान रखना है 1/2। ये रखकर आपको इसको हल करना है, बिल्कुल सिंपल। देखो ध्यान लगाना भाई, 12 × 12 x का मान दे रखा आपके 3, 15 × 15 x का मान दे रखा है 3 प्लस 3, जहां जहां x है हमें 3 लिखना है। अब यहां देखो 3 × 3 होता है 9, 9 × 12 होता है 108, 15 × 3 होता है 45 प्लस 3, ये अब देखो ये है 108। और यहां पर ध्यान देंगे तो 45 में से 3 गैर कितना आया अभी आपके 42, ज्यादा कौन सा है, माइनस का ज्यादा है, घटाओ। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 4 गया 6, तो ये आया 66, 66 आ गया। अब आते इधर की तरफ, जहां जहां x है हमें लिखना है 1/2, जहां जहां x है हमें लिखना है 1/2, ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर, जहां जहां x है हमें लिखना है 1/2 और प्लस का 3, 12 × 12 1 × 1 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 4 और यहां हल करेंगे आता है 15/2, इधर दे रखा है आपके 3 दे रखा है। हल करेंगे देखो ये भाग जाता है अभी आपके 3 बार, 3 ये रहा 3 वो रहा, कितना हो गया 6 हो गया। मैं यहां हल कर रहा हूं, देखो 3 और 3 होता है 6 और ये है माइनस का 15/2, 2 आएगा भी आपके लसअप,
ये हो जाएगा 6 × 12, ये सेम ऊपर वाला भी सेम आएगा, घटाओ 15 में से 12 गए, कितना बचेगा 3, ज्यादा कौन से हैं, माइनस वाले नंबर ज्यादा है, ये आएगा माइनस का 3/2। बी पॉइंट है, इसको पहले आपको सरल करना है, उसके बाद हमें वो मान रखकर इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, हमारे पास लिखा हुआ है a और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और बाहर दे रखा है आपके 5। हल करते हैं इसको, a को गुणा करना है मतलब सब में एक एक a बटाना है, यहाँ पर हो जाएगा a की घात 3, इधर इधर गुणा करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे a को 1 से तो a आएगा और प्लस हो गया भाई आपके 5। अब हमें इसको हल करना है वो मान रखकर, एक बार पहले तो इनको लिख देते हैं एक बार, तो a की घात 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a और प्लस का 5, ये आपको हर एक के अंदर लिखना है। मैं यहां कर देता हूं कॉपी, ये आपको यहां भी लिखना है, ये आपको यहां भी लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है, हमें यहाँ पर a का मान लेना है, ये लिखा हुआ a के तीनों मान दे रखे, a बराबर हमें एक a का मान लेना है और ये सब में लेना है आपको सेम, इधर भी लेना है इधर भी लेना है। अब क्या लेना है, एक बार लेना है 0, एक बार लिखना है 1 और एक बार लिखना है आपको माइनस का 1। मान रखो, हल करो, उत्तर आ जाएगा आपके। a का मान हमें 0 रखना है, जहां a है हमें रखना है 0, जहां a है वहां हमें रखना है 0, जहां a है हमें रखना है 0, ये सब 0 है, बस ये 5 बच गया, जो बच गया वही आपका उत्तर है, ये प्लस में है ना तो बच गया, गुणन होता तो नहीं बचता लेकिन ये प्लस है ना तो प्लस में है तो 5 बच गया। अब यहां देखो, जहां जहां a है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 की घात 1 और 5 का 5, 1 पर कितनी भी घात कर लो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके प्लस का 1 और पीछे देर का है आपके 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गया भाई आपके 8 हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पर जहां जहां a है हमें लिखना है माइनस का 1, माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 की घात 2 और माइनस का 1 और प्लस का 5। हल करेंगे देखो, यहां पर 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा और ये आपका प्लस का 5। साइन लगाओ, प्लस माइनस माइनस, अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा। अब यहां माइनस 7 के 3 बार है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस जब भी एक बार आता है, 3 बार आता है, 5 बार आता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस ही आता है। अब यहां माइनस 3 बार है तो यहां माइनस ही आएगा। अब देखो, ये माइनस का और ये प्लस का कट गए और 5 में से 1 गया, कितना आया आपके 4, ये होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, हमारे पास ये वैल्यू है, ये है और ये है, इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले इनको हल भी करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पहले इनको हल करो, बाद में आपको जोड़ना घटाना है। तो हमारे पास देखो ये नंबर दे रखा है, पहले ये वाला p और p माइनस q, फिर है आपके q और q माइनस r, फिर आपके लिखा हुआ है r और r माइनस p। अब गुणा करो, देखो यहां पर इसको इससे गुणा करेंगे तो p स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो आता है पी क्यू, पी भी एक बार q भी एक बार। अब यहां गुणा करते, देखो q को q से गुणा करेंगे, q हो गया आपके 2 बार हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो q और r एक एक बार है। अब आते हैं यहां पर, इसको इससे गुणा करेंगे, r डबल हो गया, 2 बार हो गया, घात 2 आएगा और ये दोनों एक एक बार है, आर पी लिखो पी आर लिखो एक ही बात है।
अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, हमें क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, तीनों को जोड़ना। पहला काम है कोष्ठक खोलो, अगर कहीं माइनस हो तो साइन चेंज होंगे, लेकिन यहां पर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिंपल जोड़ लो, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, प्लस होने पर कोई साइन चेंज नहीं होता। अब ये सब अलग अलग है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, जैसे यहां पर पी क्यू है तो और कहीं पी क्यू है ही नहीं, तो ये लिखोगे तो भी चलेगा, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये उत्तर भी आपका राइट है, और आप चाहो तो ऐसे लिख दो, पहले पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर फिर आर स्क्वायर फिर माइनस का पी क्यू फिर माइनस का क्यू आर फिर माइनस का आर पी, आपकी इच्छा है तो ये लिखो तो भी राइट है, ये लिखेंगे तो भी राइट। बी हमारे पास देर का है, हमें इसको और इसको ऐड करना है, ऐड करने से पहले इसको आपको सरल भी करना है, देखो ध्यान देना, हमारे पास लिखा हुआ है 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, तो सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2xz, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2xx हो गया x स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2xy, गुणा करना है भाई, वो एक्स वाई आ जाएगा। अब ये वाला 2y को गुणा करना है z माइनस वाई माइनस एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे दिया आएगा 2yz, माइनस का माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2y स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे दिया आएगा 2xy। अब हमें दोनों को जोड़ना है, अगर दोनों को जोड़ना है तो पहले दोनों को ब्रैकेट में लिखो, 2xz माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स वाई, इसको हमें जोड़ना है दो वाई जेड में माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई, हमें ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ना है, तो बीच में लगाएंगे प्लस का निशान, घटाना है तो लगाएंगे माइनस और जोड़ना है तो लगाएंगे प्लस। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लिखो, यहां पर देखो प्लस है, किसी का साइन चेंज हो सबको लिखो, दो एक्स जेड माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई, अब यहां प्लस है, किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, सबको लिखो सिंपल, दो वाई जेड माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस का दो एक्स वाई, जो मिलता है उनको जोड़ लेंगे, जो नहीं मिलता है वापस लिख देंगे, बस हमें यही मिलता है, देखो यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, ये दोनों एक जैसे हैं, बाकी कोई भी मैच नहीं हो रहा है, एक्स जेड यहां पर है, एक्स जेड और कहीं है ही नहीं, एक्स वाई यहां पर भी और एक्स वाई यहां पर भी है, इधर भी दो बार माइनस में है, इधर भी दो बार माइनस में, दो तो कितना होगा चार का हो जाएगा, बाकी सेम लिख दो, ये है दो एक्स जेड, ये है माइनस का दो एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना है, दो बार माइनस में यहां पर एक्स वाई और दो बार यहां पर है, दो और दो हो गया आपके चार बार एक्स वाई हो गया, और यह है दो बार वाई जेड, और यह है माइनस का दो वाई स्क्वायर, इसको और इसको मिलाकर हमने चार लिख दिया, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये पॉइंट देने का, इसको हमें घटाना है, इसमें से यह घटाना है, पहले इनको हल करेंगे अलग से, चार एल को हमें गुणा करना है दस एन माइनस तीन एम और प्लस के टू एल को गुणा करना है, सबको चार एल से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे तो होता है चार एल एन, चार नहीं होता है चालीस होता है, दस इंटू चार होता है चालीस एल एन, इसको इससे गुणा करो चार तिया बारह एल एन, अब प्लस का प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे चार दूनी आठ एल। अब हम आते हैं इधर की साइड,
हमें क्या करना है, तीन एल को गुणा करना है एल माइनस चार एम प्लस पांच एन से। करो गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा तीन एल स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो चार तिया बारह, एल इंटू एम करेंगे होता है एल एम, प्लस तीन को गुणा करेंगे पांच से, पांच तिया पंद्रह एल एन। अब हमें इसमें से वो घटाना है तो पहले एक बार हमें ब्रैकेट बनाकर लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, चालीस एल एन माइनस बारह एल एम प्लस आठ एल स्क्वायर। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भिन्न में लिखकर भी कर सकते हो, देखो इसको यहां लिख दो, ये एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर आएगा ऐसे प्लस का तीन एल स्क्वायर, ये वाला मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस का बारह एल एम और वो है पंद्रह एल एन। हम यहां करेंगे साइन चेंज क्योंकि हमें घटाना है, हमें माइनस करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस और माइनस, साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कटता है वो काट दो, ये और ये कट गया, बारह माइनस में बारह प्लस में, चालीस में से पंद्रह गए पच्चीस एल एन और आठ में से तीन गए पांच एल स्क्वायर, और कौन सा बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है, और ये आएगा इसका उत्तर। आप चाहो तो पहले वाले की तरह भी कर सकते हो, उसमें भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको पहले इधर सॉल्व करना है, फोर सी माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का फोर ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस, फोर सी इंटू बी करेंगे तो आएगा फोर बी सी, प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर सी स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ लिख देना भाई स्क्वायर। अब यहां पर सॉल्व करना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, तो एक बार लिख दो ए प्लस बी प्लस सी माइनस का दो बी और ए माइनस बी प्लस सी, पहले इसको हल करेंगे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए सी, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है टू ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू बी सी। अब चाहो तो कटे तो काट सकते हो, लेकिन कोई कट नहीं रहा है, कट रहा है ये रहा भाई, तीन में से दो गया एक, बाकी तो कोई नहीं कट रहा है, ये और ये आपके सेम दिख रहा है, हम ऐसा लिख देंगे थ्री ए स्क्वायर। अब देखो थ्री में से टू गया, बचेगा वन ए बी, ज्यादा कौन सा है, प्लस का ज्यादा है, थ्री ए बी और टू ए बी, थ्री माइनस टू करेंगे तो आता है वन ए बी, पीछे दे रखा है प्लस का थ्री ए सी, फिर है आपके माइनस का टू बी स्क्वायर और लास्ट में है माइनस का टू बी सी। सॉल्व होता है तो सॉल्व करना है। अब हमें इसमें से वो घटाना है, घटाओ देखो ध्यान दो, पहले हम इसको लिखेंगे माइनस का फोर ए सी प्लस का फोर बी सी एंड प्लस का फोर सी स्क्वायर। अब ये वाला यहां लिख सकते हो नीचे, मैच होता हो, देखो ये वाला, ये नंबर आएगा बी सी, बी सी की जगह आएगा यहां पर, ये आएगा माइनस का टू बी सी, और कौन सा मिला, ए सी मैच हो रहा है, ये रहा, एक तो ये मैच हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, एक तो ये वाला मैच हो रहा है, एक ये वाला भी मैच हो रहा है, प्लस का थ्री ए सी, और तो कोई मैच नहीं हो रहा है, बाकी को सेम लिख दो। अब पहले ये लिखेंगे हम प्लस का थ्री ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का टू बी स्क्वायर,
अब हमें दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या होता है, साइन चेंज। मुझे यहां पर घटाना है, सबका साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, कॉल करो। दोनों ही माइनस के हैं तो ये हो गया माइनस का 7ac, दोनों प्लस के हैं तो ये आएगा प्लस का 6bc, प्लस का 4c2, ये है माइनस का 3a2, ये है माइनस का ab, और ये है प्लस का 2b2। जो पीछे आपका आंसर लिखा वही है, आगे पीछे हो सकते हैं वरना होने वाला यही है।